हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको देखिए 40 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग बताऊंगी डीप नेक के साथ में। अगर आप बोट नेक के साथ में भी इसकी कटिंग सीखना चाहते हो तो उसका मेरा ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बोट नेक के साथ में अगर कटिंग करना चाहते हो तो उसका अलग सा मेथड होता है, तो वो सीख सकते हो। आज की वीडियो में हम देखिए ये ब्लाउज़ डीप नेक के साथ में बनाएंगे और प्रिंसेस कट पे बनाएंगे इसको। और देखिए, ये ब्लाउज हम बैक ओपन पे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसकी कटिंग हम अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो कपड़े को देखिए, मैंने यहाँ पर आयरन लगा के सीधा कर लिया है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम हुकाई पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, हाफ इंच जितनी जगह छोड़ेंगे हुकाई पट्टी के लिए। बैक ओपन पर ये ब्लाउज हम रेडी करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की तैयार लेंथ यहाँ पर देखिए 15 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। जितने भी आपके ब्लाउज़ की तैयार लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर हमें शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच, और आर्म होल्स यहाँ से लेने हैं हमें देखिए 5.6 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, हमें एक बॉक्स बना लेना है। और एक निशान देखिए, हम हाफ इंच पे लगाएंगे बैक में, और यहाँ से इसको तिरछा मिलाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारे यहाँ पर है 40 इंच, तो इसका हम चौथा भाग करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 10 इंच। और यहाँ पर हम 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। यहाँ पर हमें देखिए डीप नेक में कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। इसके बाद देखिए, हम कमर का भी चौथा भाग ले लेंगे। कमर हमारे यहाँ पर देखिए 34 इंच है, तो इसका चौथा भाग यहाँ पे 8.5 इंच। और 1 इंच हम यहाँ पर देखिए बैक प्लेट्स के लिए लेंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ पर 2 इंच देखिए सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। और इन निशान्स को यहाँ पर सिंपली हम मिला देंगे। और यहाँ से देखिए, 1 इंच की हम आर्म होल्स में गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व से देखिए इसमें गोलाई कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक में हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे। अगर आप बैक में डोरी नहीं लगा रहे हो तो आप ये निशान 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसमें हम 11 इंच नेक डीप रखेंगे, तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे नेक के लिए। और नेक विड्थ के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ से, और इन निशान्स को देखिए सीधा मिलाएंगे। तो बैक में देखिए, मैं यहाँ पर इसमें वी नेक बनाऊंगी। तो फ्रेंच कर्व को देखिए, इस तरीके से रखते हुए हम वी नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए बहुत ही इजीली। आप यहाँ पर चाहो तो डिफरेंट और भी डिज़ाइन इसमें बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसमें राउंड नेक भी बना सकते हो। मैं इसमें यहाँ पर देखिए वी नेक बनाऊँगी। और देखिए, यहाँ से हमें हाफ इंच से एक सूत कम, थोड़ा सा कम देखिए, शोल्डर को हमें गले की तरफ डाउन करना है। ये देखिए, डीप नेक में हमें ये करना होता है, इससे जो हमारे ब्लाउज़ के कंधे गिरने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें गाइस। तो बैक पार्ट की यहाँ पर देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है, अभी इसको कट कर लेना है। तो देखिए गाइस, डीप नेक के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो अलग तरीके से होती है। अगर आप यहाँ पर बोट नेक बना रहे हैं तो इसकी कटिंग अलग तरीके से होती है। उसका भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है, बोट नेक की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो वो वाली आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें गाइस। अभी हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, तो बैक पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, और जो हमने हुकाई पट्टी के लिए देखिए लाइन ड्रॉ की थी, इसको हम ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए इसको रख लेंगे यहाँ पर। ऊपर से इसको देखिए हम एज इट इज़ ही ड्रॉ करेंगे, और आर्म होल की तरफ से भी देखिए एक बार इसको हम एज इट इज़ ही ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसको हम आर्म होल की तरफ से 1 इंच बढ़ाएंगे, और यहाँ नीचे से देखिए इसको हम 2.25 इंच बढ़ा लेंगे।
टक्स के लिए, और इसको देखिए ऐसे तिरछा मिलाएंगे इस तरीके से। और इसकी जो लेंथ है इसको देखिए हम यहाँ से हाफ इंच बढ़ाएंगे। फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो हमेशा ब्लाउज में हाफ इंच या फिर पौना इंच जितनी ज़्यादा होती है, तभी ब्लाउज की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छे से आती है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम बैक पार्ट को हटाएंगे और यहाँ पर देखिए हम आधा इंच की आर्म होल्स में गहराई कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा गहराई नहीं करनी है, डीप नेक में सिर्फ आधा इंच की गहराई ही यहाँ पर करनी है। और अभी इन निशान्स को यहाँ से हम कट करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए हम देखिए यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, और जहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर ये निशान हम 4 इंच पर लगाएंगे। बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर 11 इंच है, तो इस पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे लाइन को। यहाँ पर देखिए हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे टक्स के लिए, और ऊपर की तरफ एक निशान देखिए हम 2 इंच पे लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही इजी तरीका है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का। आप इजीली देखिए सीधे इसी कपड़े पे कटिंग कर सकते हो, आपको इसमें कोई भी पेपर पे या फिर ऐसे कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। और आर्म होल की तरफ से देखिए हमें ये निशान 20 सेंटर में लगा लेना है। आप 5.5 इंच या फिर 6 इंच पर लगा सकते हो एक आइडिया से। और यहाँ से भी देखिए इसको 4 इंच जितना ऊपर की तरफ से लाइन ड्रॉ करके तिरछा कर लेना है यहाँ पर, जो हमने फ्रंट पार्ट की लेंथ को यहाँ पर इंक्रीज़ किया था। तो जो फ्रंट और बैक है वो हमारे बराबर से आएंगे इसलिए। और फ्रंट में भी देखिए यहाँ पर हम नेक विड्थ 2.75 इंच रखेंगे, 2.75 इंच। और नेक लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए 6 इंच रखी है। और फ्रंट में भी देखिए यहाँ पर इसमें हम वी नेक ही बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है और यहाँ पर इसमें ये शेप दे देंगे। ये देखिए, तो फ्रंट पार्ट की यहाँ पर देखिए मार्किंग हो चुकी है। अभी इसको हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रंट पार्ट की देखिए यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अभी जो इसका बैक नेक है इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ब्लाउज हमारा यहाँ से देखिए कट हो चुका है। अभी इसको हम मैन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। तो मैंने देखिए इसको मैन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है यहाँ पर फैब्रिक ग्लू फेविकोल की हेल्प से। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डीप नेक और जो बोट नेक है इसके कटिंग में बहुत ही अंतर होता है कटिंग करने में। तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं कि बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करना ईजिली सीख सकते हैं। और इस ब्लाउज़ की अगर आप स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो उसका भी ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।